क्राइम रहता है उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ठीक है ना। डायन बिशाही समाज के लिए एक अभिशाप है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे झारखंड में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खूंटी पुलिस लोगों के बीच जा रही है और डायन कुप्रथा के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। मनाया गया, देखिए डायन है ना, जो भी किसी को प्रताड़ित करेगा, किसी महिला को बोलेगा डायन, तो जेल चला जाएगा, निश्चित रूप से चला जाएगा। ये अंधविश्वास है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। आदमी का सोच है, कैसा सोचता है। अगर तबीयत खराब हो जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि डायन कर दिया है ना। किसी का भी बहन को, माँ को, पत्नी को बोलेगा डायन को अच्छा नहीं लगेगा। मान लेते हैं कि मेरे पत्नी को भी बोलेगा तो अच्छा लगेगा, है ना। मगर एक आदमी का बोलने से क्या होता है कि सारे लोग जानने लगते हैं, शक हो जाता है कि नहीं। कल वो आदमी इधर से गुजरेगा भी ना तो शक हो जाएगा कि वही का लगता है, वही कुछ कर रहा है। के मामले को लेकर खूंटी पुलिस जो है लगातार अभी जो है अभियान चला रही है। विभिन्न गांवों में थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारी भी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात जो है वो अंधविश्वास के दायरे में आती है और इस तरह से किसी को लेबल डायन के रूप में नहीं करना है, और अगर किया जाता है तो क्या कानून के प्रावधान है और क्या उनको सजा हो सकती है। इसके अलावा भी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी अवेयर करवाया जा रहा है कि वो भी ग्राम सभा में या अन्य बैठकों में इन बातों को रखें और ग्रामीणों को ये बताएं कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं है और कानूनी रूप से ये जो है उचित नहीं है। और इसके अलावा कई ओझाओं का भी लिस्ट बनाया गया था, कई अन्य ऐसे लोगों का लिस्ट बनाया गया था जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं, जो पुराने आरोप पत्रित वगैरह रहे हैं, और उन पर भी लगातार निगरानी लोकल थाने से रखी जा रही है। खूंटी में डायन बिशाही के कई मामले आए हैं और समाज के गलत स्वरूप ने ही कई लोगों की जान ले ली। आंकड़ों पर नजर डालें तो डायन बिशाही के मामले में 2016 में कुल 3 केस दर्ज हुए जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई। 2017 में कुल 6 मामले दर्ज हुए जबकि 2017 में डायन बिशाही में 7 लोगों की हत्या हुई। 2018 में मामले तो 5 दर्ज हुए लेकिन 7 लोगों की हत्या हुई। 2019 सबसे भयावह मामले में रहा, केस तो केवल 1 दर्ज हुआ लेकिन इसमें 6 लोगों की हत्या कर दी गई। 2020 में 3 मामले दर्ज हुए जबकि 6 लोगों की हत्या डायन बिशाही में की गई। 2021 में 12 केस दर्ज हुए जबकि 6 लोगों की हत्या हुई। 2022 में 3 मामले दर्ज हुए और 3 लोगों की हत्या हुई। 2023 में अब तक 1 केस दर्ज हुआ है जबकि 1 की हत्या हो गई है। इस मामले में ओझा गुनी को लेकर के भी प्रशासन की कड़ी नजर है और इसे लेकर डीसी ने बताया कि ऐसे लोगों को समझाया जा रहा है, नहीं मानेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये लोग ओझा लोगों से भी जो भी जिस तरह का इलाज करते हैं या इस तरह का लेबल करते हैं उनको भी, कई सारे लोग तो जेल भी गए हैं पूर्व में, और ऐसे जो लोग हैं उनको वार्न भी किया जाता है थाना के माध्यम से, और अगर इस तरह का कोई मामला संज्ञान में आता है तो उन पर उचित कानूनी कार्रवाई भी जो है उनको बताया जाता है कि उन पर किया जाएगा, और अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। बहरहाल डायन बिशाही के मामले को लेकर के खूंटी पुलिस ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। लोगों से अपील है और ईटीवी भारत भी सभी लोगों से निवेदन करता है कि किसी भी ऐसी चीज को आगे न बढ़ाएं जो समाज के लिए अभिशाप हो, आपके परिवार को असमय ही परेशानी में डाल दे। प्रशासन के नियमों को निश्चित तौर पर पालन में लाएं और देखें कि वैसा कुछ भी न करें जिससे समाज में किसी भी तरह की विकृति पैदा हो और ओझा गुनी के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। खूंटी से ईटीवी भारत के लिए सोनू अंसारी की रिपोर्ट।